रही हूँ। दो लोगों के लिए पनीर रोल मैंने 4-5 प्याज लिए हैं। मेरे पास छोटे प्याज हैं, बड़े हैं तो आप दो ले सकते हैं। दो शिमला मिर्च, हम इन शिमला मिर्च और प्याज को लंबा लंबा काटते हैं और उसके बाद फ्राई पैन में हम इनको हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार है कट के, और पनीर भी मैंने काट के रख लिया है दो लोगों के हिसाब से। और इसमें मैं मसाला बनाऊंगी मैरिनेट करने के लिए। हम पनीर को 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। सरसों का तेल पनीर को मैरिनेट करने के लिए, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, हल्का सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जिससे रंग अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च लगती नहीं है इसलिए इससे कलर भी अच्छा आता है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पनीर के पीस अपने डाल देते हैं जिससे हमारा पनीर मैरिनेट हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको ये मिला दिया है और ये पनीर हमारा जब तक मसाला लेगा तब तक हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। ज़्यादा हमें नहीं लगेगा। देखिए प्याज हमारा ये पनीर हमारा ताकि आँच में हल्का सा गर्म होगा ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और जो मसाला है उसमें इसका कच्चापन आ जाए। बस हमें 1-2 मिनट के लिए इसको चलाना है और फिर इंडक्शन को हम बंद कर देंगे। देखिए बनता तो वैसे मैदे में है, पर मैदा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए किसी के लिए भी हो पेट के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं आटे का ही लच्छा बनाऊंगी, लच्छा पराठा, और उसके बाद इसी का मैं रोल बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पसंद आटा ही सही रहता है पेट के लिए। पसंद भी आटा ही आता है, मैदा खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेट के लिए भी सही नहीं रहता है, कई सारी बीमारियाँ होती हैं। और मैदे में भी कर सकते हैं, 2 चम्मच घी डाल के उसमें मोयन डाल दीजिए और 1/2 कप दूध से उसको मल लीजिए और हल्का सा पानी डाल के उसको ओल के यानी सान के उसको 10-15 मिनट गीले कपड़े से ढक के रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। इसका पेड़ा बना लिया है जिसे मैं ये पराठा सेक दूंगी, और इस पराठे को फूला हुआ नहीं बनाना है वरना अगर ये चपाती की तरह बन गया तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा करारेपन का। मिल गया है और मैंने पराठा सेकने के लिए तवे में डाल दिया है। ये देखिए पराठा मेरा सिक रहा है। देखिए ऐसे दबा दबा करके हमें इसको देखना है इसको करारा। मैंने सब्जी लगा दी है इसमें, मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज फ्राई किए थे मसाले वाले, और मैं अब इसमें लगा रही हूँ पनीर, जो पनीर मैंने मसाला डाल के फ्राई किया है। और मेरे पास अभी चटनी नहीं है हरी, वरना मैं हरी चटनी इसमें डालती धनिया और पुदीने वाली, लेकिन मैं अभी इसमें हल्का सा खट्टापन और चटपटा स्वाद लाने के लिए सॉस डाल रही हूँ, ग्रीन चिली सॉस। आप भी अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं अगर आपको खाने में अच्छा लगता है तो, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप नहीं डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटो सॉस, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें मेयोनीज़,